कोने कोने से आए हुए बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्तागण, जैसा कि आप लोगों को ये विदित है कि आज दिनांक 9 अक्टूबर को बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक माननीय श्री कांशीराम जी की पुण्यतिथि है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी, विशेषकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्तों पर चलकर देश के करोड़ों दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, धार्मिक अल्पसंख्यकों तथा अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को भी अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है। अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व को आज मैं उनकी पुण्यतिथि पर अपनी व उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में पार्टी से जुड़े सभी लोगों की तरफ से भी पूरे तहे दिल से इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ तथा नमन भी करती हूँ। साथ ही यूपी व देश के अन्य राज्यों में भी इनके अपार अनुयायी जिस भी रूप में आज इनकी पुण्यतिथि का कार्यक्रम आयोजित करके इनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, उनका भी मैं अपनी व पार्टी की ओर से आभार प्रकट करती हूँ। और अब मैं इस मौके पर आप लोगों का ध्यान खासकर यूपी, उत्तराखंड व पंजाब स्टेट में कुछ ही महीनों के अंदर एक साथ होने वाले विधानसभा चुनाव को विशेष ध्यान में रखकर कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। जिन इन तीनों राज्यों में हमारी पार्टी पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है, जिसे मद्देनजर हुए अब मैं सबसे पहले कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों को ये कहना जरूरी समझती हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के बनने के बाद विशेषकर इन वर्गों के लोगों को ये कहा था कि मैंने काफ़ी संघर्ष एवं अथक प्रयासों से अपने इन वर्गों के लोगों को जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए भारतीय संविधान में कानूनी अधिकार तो जरूर दिला दिए हैं, लेकिन उनका सही व पूरा लाभ लेने के लिए इन्हें केंद्र व ही बल्कि चार बार सरकार बनाने का मौका मिला है। और इस दौरान वैसे तो हमने यहाँ सर्व समाज के हितों का पूरा पूरा ध्यान रखा है, लेकिन सभी मामलों में प्राथमिकता पहले हमने यहाँ सर्व समाज में से उन गरीब, कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों को दी है, जिनकी यहाँ जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी मानसिकता रखने वाली पार्टियों की रही सरकारों में काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है। साथ ही इनकी सरकारों में उपेक्षित रहे अपने सभी संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी हमने पूरा पूरा आदर सम्मान दिया है। इसके साथ साथ हमारी पार्टी की रही सरकार ने यहाँ सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, छोटे व्यापारियों, कर्मचारियों, वकीलों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ छात्रों, युवाओं, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के हितों में भी अनेकों ऐतिहासिक कार्य किए हैं।
तथा प्रदेश का हर स्तर पर काफी विकास भी किया है, जिनको सत्ता परिवर्तन होने पर अब विरोधी लोग किसी न किसी रूप में अधिकांश उन्हीं को ही भुना रहे हैं। और अब तो केंद्र वे अन्य राज्यों की भी सरकारें इनकी काफी नकल कर रही हैं। इसके साथ ही यहाँ बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को भी काफी हद तक सुधारा गया है। इतना ही नहीं बल्कि जब यूपी में सन 2007 में पहली बार यहाँ बीएसपी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, तो तब फिर हमने यहाँ प्रदेश व यहाँ की आम जनता का काफी युद्ध स्तर पर चौतरफा विकास व उद्धार आदि किया था। यहाँ बेहतरीन कानून व्यवस्था भी दी थी, जिसकी पूरे देश में काफी सराहना भी की गई थी, लेकिन ये सब यहाँ हमारी विरोधी पार्टियों को अच्छा नहीं लगा। और इसके बाद तब से यहाँ सभी जातिवादी संकीर्ण व पूंजीवादी पार्टियां अंदर अंदर एकजुट होकर व किस्म किस्म के हथकंडे आदि इस्तेमाल करके बीएसपी को सत्ता में आने से रोकने में लगी हैं, जिसकी खास वजह से ही पिछले दो विधानसभा आम चुनावों में हमारी पार्टी यहां सत्ता में आसीन नहीं हो सकी है। लेकिन इस दौरान चाहे यहाँ सपा सत्ता में रही हो या बीजेपी सत्ता में आसीन है, किंतु यहाँ की जनता इन दोनों सरकारों में काफी ज्यादा दुखी रही है, ये भी सर्वविदित है। और अब प्रदेश की जनता बीएसपी के शासन काल को ही याद कर रही है और यहाँ सत्ता परिवर्तन करने के लिए काफी हद तक अपना मन भी बना चुकी है। और ऐसे में अब इस बार यहाँ बीएसपी की सरकार बनना लगभग तय है, जिसके लिए पार्टी के लोगों को अभी से ही यहाँ सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। हालांकि अभी तक इन्होंने जिन जिन हथकंडों को भी इस्तेमाल किया है, तो उनके बारे में मैं पार्टी के लोगों को समय समय पर काफी हद तक सजग भी करती रही हूँ, किंतु फिर भी इस संबंध में सावधानी के तौर पर यहाँ मैं आप लोगों को ये कहना जरूरी समझती हूँ कि यहाँ प्रदेश में कुछ ऐसी भी छोटी छोटी पार्टियां व संगठन आदि हैं जो अकेले या फिर गठबंधन करके भी ये चुनाव लड़ सकते हैं, जिनका मकसद कोई चुनाव जीतना नहीं होता है, बल्कि अपने स्वार्थ में पर्दे के पीछे से खासकर सत्ताधारी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए ही होता है। और फिर ये लोग उन्हीं के हिसाब से अपने उम्मीदवार भी चुनाव में खड़ा करते हैं, इसलिए ऐसी पार्टियों व संगठनों को अपनी जात बरादरी व रिश्ते नातों आदि के भी चक्कर में पड़कर इन्हें अपना वोट देकर कतई भी खराब नहीं करना है, वरना फिर से यहाँ बीजेपी सत्ता में वापस आ सकती है। इसके साथ ही प्रदेश में एक पार्टी तो ऐसी भी है जो दूसरी पार्टियों के स्वार्थी व टिकटार्थी किस्म के लोगों को अपनी अपनी पार्टी में शामिल करा के अपने कुनबे व परिवार आदि को बढ़ाने में लगी रहती है, जिसके शासन काल में यहाँ की जनता खासकर कानून व्यवस्था के मामले में काफी ज्यादा दुखी रही है। ऐसी पार्टी के बहकावे में भी आप लोगों को कतई भी नहीं आना है। इसके साथ ही चुनाव घोषित होने से कुछ समय पहले वे वोट पड़ने तक भी हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए या खासकर जातिवादी मीडिया या फिर बीएसपी के विरुद्ध प्रायोजित किया गया मीडिया भी बीएसपी की स्थिति को जानबूझकर काफी कमजोर करके दर्शाता रहेगा, जिससे भी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। और इस संबंध में हम जल्दी ही
मुख्य चुनाव आयोग को भी एक चिट्ठी लिखेंगे कि किसी भी स्टेट में जब विधानसभा आम चुनाव का समय 6 महीने रह जाए तो तब से लेकर वोट पड़ने तक सभी एजेंसी के सर्वे पर रोक लगनी चाहिए, ताकि उसकी आड़ में जो कुछ एजेंसी का धंधा चल रहा है तो वे बंद हो जाए तथा फिर चुनाव भी प्रभावित ना हो सके। जैसे आप लोगों को ये मालूम है कि बंगाल में जब विधानसभा का आम चुनाव चल रहा था तो वहां पर रिजल्ट आने से पहले तो सर्वे वाले तो ममता बनर्जी को बहुत पीछे दिखा रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उल्टा आया और जो सत्ता के सपने देख रहे थे तो वो बाहर हो, वो उनका सपना चकनाचूर हो गया और ममता बनर्जी तो भारी बहुमत से वहां सत्ता में पुनः वापस आ गई। इसलिए आप लोगों को ये जो सर्वे वगैरह है इनके बहकावे में कतई नहीं आना है। इतना ही नहीं बल्कि अब तो चुनाव के नजदीक बीजेपी की केंद्र व यूपी की सरकार यहाँ अपनी पार्टी के पक्ष में हवा बनाने के लिए जिस प्रकार से सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है ये भी किसी से छिपा नहीं है। हो सकता है कि जब इससे भी इनका काम चलने वाला नहीं है तो तब फिर ये पार्टी आखिर में इस चुनाव को किसी भी मामले में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक रंग देकर तथा उसकी आड़ में भी राजनीतिक फायदा उठाने का पूरा प्रयास कर सकती है। उसे भी ध्यान में रखकर आपको ये चुनाव लड़ना है। इसके साथ साथ आजकल ये बात भी काफी चर्चा में है कि इस बार चुनाव में बीजेपी अपने बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि से काफी धन खर्च कराने वाली है, जिनके हिसाब से ही ज्यादातर नीतियां बना के ये लोग अपनी सरकार चलाते हैं, जिसकी खास वजह से ही अब पूरे देश के किसान केंद्र सरकार के बनाए गए तीनों कृषि कानूनों को लेकर अभी तक भी काफी आक्रोशित व आंदोलित भी हैं। और अब तो आंदोलित किसानों का काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न भी किया जा रहा है और इस मामले में लखीमपुर खीरी की घटना इसका ताजा उदाहरण भी है। इसके अलावा अब ये पार्टी चुनाव घोषित होने के नजदीक व चुनाव के दौरान भी यहाँ खासकर कोरोना नियमों की आड़ में हमारी पार्टी के लोगों को भी काफी परेशान कर सकती है, जिसे भी ध्यान में रखकर पार्टी के लोगों को इस चुनाव में कोरोना नियमों का जरूर पालन करते रहना है। वैसे भी इस मामले में अभी सावधानी बरतते रहना ही आपके स्वास्थ्य व पार्टी के भी हित में बहुत जरूरी है। इसके साथ ही इस संदर्भ में सावधानी के तौर पर यहाँ मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ कि आजादी के बाद देश के अन्य राज्यों की तरह यहाँ आपके यूपी में भी काफी वर्षों तक ज्यादातर कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में आसीन रही है। यही स्थिति केंद्र में भी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जातिवादी व पूंजीवादी सोच होने के कारण उस समय कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में सभी जाति व धर्मों में से जो लोग अपने खुद के इस प्रदेश में रोटी रोजी नहीं मिलने के कारण उसकी तलाश में वह मजबूरी में यहाँ से बड़ी संख्या में अपनी रोटी रोजी के लिए पलायन करके दूसरे राज्यों में चले गए थे, तो उनमें से इस बार अधिकांश लोग कोरोना काल में वहाँ से पलायन करके फिर से अपने खुद के प्रदेश यूपी में वापस आ गए थे। और लगभग यही स्थिति कुछ और राज्यों में भी हमें देखने के लिए मिली है, किंतु इनके लिए यूपी में भी आकर अति दुख की बात ये रही कि यूपी की वर्तमान भाजपा सरकार ने ना तो इनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा किया तथा ना ही इनको रोटी रोजी के साधन देकर
इन्हें यहाँ स्थापित करने का भी कोई प्रयास किया है, जिससे दुखी होकर तब ये लोग यूपी से लॉकडाउन के हटते ही यहाँ से पुनः पलायन करके अपनी रोटी रोजी के लिए फिर से दूसरे राज्यों में वापिस चले गए। इसके साथ ही यहाँ अति दुख की बात ये भी रही कि उस समय यूपी में कोरोना से जिन लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो उनके दाह संस्कार के लिए भी यहाँ की भाजपा सरकार ने लकड़ी तक का भी कोई उचित प्रबंध नहीं किया था, जिसके कारण फिर बड़ी संख्या में इनके शव यहाँ गंगा, यमुना, नदी नालों आदि में बहते हुए हमें नजर आए हैं। इससे इनके संस्कारों का भी काफी कुछ पता चलता है। इतना ही नहीं, बल्कि उस दौरान इनके प्रति अन्य पार्टियों का भी रवैया लगभग एक जैसा ही हमें देखने के लिए मिला है। और इस मामले में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि खासकर यूपी व बिहार के जो गरीब एवं बेरोजगार लोग अपनी रोटी रोजी के लिए बड़ी संख्या में दिल्ली व महाराष्ट्र के मुंबई में जाकर बस गए थे, तो ये लोग कोरोना काल में वहाँ की सरकारों की रही अनदेखी की वजह से ज्यादातर पलायन करके वापस अपने मूल प्रदेश यूपी व बिहार में आ गए थे। जबकि महाराष्ट्र में तो वहाँ शिवसेना, कांग्रेस व एनसीपी की मिली जुली सरकार चल रही थी, जिन्होंने ऐसे समय में भी इनके वहाँ ठहरने व खाने आदि की कोई भी उचित व्यवस्था नहीं की थी। और अब इन पार्टियों के लोग यहाँ यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने वोट की खातिर किस्म किस्म की लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं। इसके साथ साथ उस समय ओबीसी की पार्टी ने भी यहाँ यूपी में आकर ऐसे आए हुए लोगों में से अपने खुद के मुस्लिम भाइयों की भी कोई मदद नहीं की थी, जो अब यहाँ आकर खासकर मुसलमानों का वोट लेने के लिए काफी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। और इस मामले में जहां तक दिल्ली से यूपी के लोगों का जबरदस्त पलायन करने का सवाल है, जहां पर श्री केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, तो अब ये पार्टी भी यहाँ यूपी में आकर अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काफी लंबी चौड़ी बातें कर रही है। जबकि इस आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी यूपी से अपनी रोटी रोजी के लिए दिल्ली में जाकर बसे लोगों की यहाँ कोरोना काल में उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने की बात तो बहुत दूर की रही, बल्कि इस पार्टी ने उनको यूपी में वापस भेजने तक की भी कोई उचित व्यवस्था नहीं की थी। लेकिन सोचने की बात यह है कि अब यही आम आदमी पार्टी यहाँ यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए यहाँ के लोगों से उनका सहयोग व समर्थन आदि मांग रही है, जिसका यूपी के लोगों को अब इसी चुनाव में इनको यहाँ सबक सिखाना बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, बल्कि अब ये आम आदमी पार्टी यहाँ यूपी में आकर दिल्ली की तरह खासकर बिजली, पानी व स्वास्थ्य आदि को लेकर जो किस्म किस्म की रियायतें देने की बात कर रही है, तो उनमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे कुछ भी जमीनी हकीकत में कार्य नहीं हुए हैं, बल्कि इन मामलों में इनके कागजों में ही अधिकांश लीपापोती होती रही है। इसके साथ साथ अब ये आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि दिल्ली की तरह ही यहाँ यूपी के लोगों को भी रोजगार दिए जाएंगे, साथ ही रोजगार नहीं दिए जाने पर उन्हें बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा, जिसमें भी रत्ती भर कोई सच्चाई नहीं है। ये बात बिल्कुल झूठ व हवा हवाई है, क्योंकि यदि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में यहाँ बेरोजगार लोगों को रोजगार या बेरोजगारी भत्ता आदि दिया होता,
तो फिर दिल्ली में जाकर बसे यूपी व बिहार के लोगों को भी कोरोना काल में दिल्ली छोड़कर यहाँ यूपी व बिहार में वापस नहीं आना पड़ता। इसलिए अब यहाँ बीजेपी, सपा व कांग्रेस पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी, ओबीसी की पार्टी, शिवसेना व अन्य और भी पार्टियां जो अपने अपने वोट की खातिर अभी से ही यूपी की जनता को किस्म किस्म के वायदे कर रही हैं, तो वो केवल हवा हवाई है, उसमें रत्ती भर भी दम नहीं है। वैसे भी इस बार चुनाव में सभी विरोधी पार्टियां अपने अपने चुनावी घोषणा पत्रों में कुछ ज्यादा ही प्रलोभन भरे चुनावी वायदे करने वाली हैं, जिनके बहकावे में भी प्रदेश की जनता को कतई भी नहीं आना है, जिन्हें सत्ता में आने के बाद ये पार्टियां अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं। जबकि ये बात भी सर्वविदित है कि बीएसपी किसी भी चुनाव में अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है, क्योंकि बीएसपी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और इस मामले में बीएसपी का यहाँ चार बार का रहा शासनकाल इसका खास सबूत है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर प्रदेश की जनता को अब चुनाव में विरोधी पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना है, जिनका यहाँ के लोगों के प्रति असली चेहरा खासकर कोरोना काल में हमें काफी कुछ देखने के लिए मिला है, जिसे खास ध्यान में रखकर अब हमारी पार्टी का ये कहना है कि बीएसपी की सरकार बनने पर इस बार सबसे ज्यादा जोर हमारी पार्टी यहाँ के गरीब व बेरोजगार नौजवानों को रोटी रोजी के साधन उपलब्ध कराने पर ही लगाएगी, ताकि अब आगे इनको अपनी रोटी रोजी के लिए यहाँ अपने खुद के प्रदेश यूपी से कभी भी पलायन ना करना पड़े। और इस बार चुनाव में हमारी पार्टी का यही मुख्य चुनावी मुद्दा भी होगा। इसके साथ ही यूपी में हमारी पार्टी की रही चारों सरकारों ने यहाँ सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों तथा गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, छोटे व्यापारियों, कर्मचारियों, वकीलों व अन्य मेहनत कश लोगों के साथ साथ छात्रों, युवाओं, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के हित एवं कल्याण के लिए जो भी योजनाएं व परियोजनाएं आदि चलाई थी, जिन्हें सपा व भाजपा सरकार ने अधिकांश रोक दिया है, तो उन्हें फिर से शुरू किया जाएगा। साथ ही प्रदेश में बिजली, पानी, स्वास्थ्य व अन्य रोजमर्रा की सभी जरूरतों को भी समय से पूरा किया जाएगा। इसके साथ साथ प्रदेश में खासकर शिक्षा के क्षेत्र में तथा अन्य और विभागों के भी कर्मचारी जो आए दिन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन व हड़ताल आदि करते रहते हैं, तो उन सभी मामलों को निपटाने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा और उनकी वाजिब मांगों को स्वीकार भी कर लिया जाएगा। साथ ही प्रदेश के जो भी क्षेत्र अति पिछड़े हैं, तो उन्हें प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया जाएगा। इसके साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना को भी पुनः चालू करा के यहाँ गांवों व शहरों को फिर से विकसित किया जाएगा, जिनकी हालत अब यहाँ काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। प्रदेश में अयोध्या, वाराणसी, मथुरा व अन्य सभी धार्मिक स्थलों पर लोगों की सुविधा के लिए बीएसपी की सरकार के पद चिन्हों पर चलकर वर्तमान भाजपा सरकार ने अभी तक जो भी कार्य शुरू किए हैं, तो वे अभी पूरे नहीं हुए हैं, तो उन्हें बदले की भावना से रोका नहीं जाएगा बल्कि पूरा कराया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में सरकार बनने पर पहले नए हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज एवं शिक्षण संस्थान आदि नहीं बनाए जाएंगे, बल्कि पहले से जो बने हैं
जिनकी काफी दयनीय हालत हमें कोरोना काल में देखने के लिए मिली है, तो उन्हें पहले सुधारा जाएगा। इसी प्रकार प्रदेश में सड़कें व पुल आदि भी नए बनाने से पहले यहाँ पुरानी सड़कों व पुलों आदि को ही ठीक किया जाएगा, ताकि कोई जनहानि ना हो सके। साथ ही प्रदेश के विकास व जनहित में केंद्र एवं स्टेट की अभी तक जो भी सही योजनाएं चल रही हैं, तो उन्हें विरोधी पार्टियों की तरह बदले की भावना से रोका नहीं जाएगा। इसके साथ ही सपा व भाजपा सरकार की तरह दूसरी सरकारों के किए गए कार्यों के नाम बदलकर ये भी नाटक नहीं किया जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रदेश में सपा व भाजपा सरकार के सभी कार्यों की ईमानदारी से समीक्षा की जाएगी। जो कार्य सही व जनहित में है, तो उन्हें जरूर आगे बढ़ाया जाएगा, अर्थात रोका नहीं जाएगा। इसके अलावा मेरी सरकार में वर्तमान भाजपा सरकार की तरह कानून व्यवस्था का सुधार केवल कागजों व मीडिया आदि में नहीं, बल्कि जमीन पर ही लोगों को हकीकत में होता हुआ नजर आएगा। खासकर सपा सरकार में जो गुंडे, बदमाश व माफिया आदि खुलेआम जनता का शोषण व उत्पीड़न आदि करते हैं, तो वे मेरी सरकार में आपको जेल के बाहर नहीं, बल्कि जेल की सलाखों के अंदर ही नजर आएंगे, जहां उनकी असली जगह होनी चाहिए। इस प्रकार से प्रदेश में सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के लिए यहां हर स्तर पर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी जाएगी। इतना ही नहीं, बल्कि आज मैंने प्रदेश व आम जनहित में जो कुछ भी कहा है, और इससे पहले पिछले महीने दिनांक 7 सितंबर को प्रबुद्ध वर्ग के हुए समापन कार्यक्रम के दौरान भी जो कुछ भी कहा है, तो ये सभी कार्य यहाँ बीएसपी की सरकार बनने पर बिना पक्षपात एवं भेदभाव आदि के ही समय से पूरे किए जाएंगे। और इस मामले में विशेषकर किसानों, गरीब व कमजोर एवं असहाय लोगों की तथा यह सर्व समाज में से बेरोजगार लोगों की भी समस्याओं को दूर करने की तरफ विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही सर्व समाज में से ब्राह्मण समाज की भी सुरक्षा, सम्मान एवं तरक्की आदि के साथ साथ यहाँ धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से मुस्लिम समाज के भी विकास एवं उत्थान व उनके जान माल आदि की सुरक्षा को भी लेकर पार्टी ने अभी तक जो कुछ भी कहा है, तो उन पर हमारी सरकार द्वारा पूरी ईमानदारी व निष्ठा से जमीनी हकीकत में कार्य किया जाएगा, तथा यहाँ की जनता को किसी भी मामले में निराश नहीं होने दिया जाएगा। वैसे भी बीएसपी किसी भी मामले में, मैं फिर इस बात को दोहराती हूँ कि वैसे भी बीएसपी किसी भी मामले में जो कहती है, तो उस पर सही से अमल भी करके दिखाती है। यही बीएसपी की खास पहचान भी है। लेकिन इस मामले में सावधानी के तौर पर यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि यदि यूपी की वर्तमान भाजपा सरकार ने यहाँ की जनता के प्रति अपनी जिम्मेवारी को पूरी ईमानदारी व निष्ठा से निभाया होता, तो अब यहाँ विधानसभा के आम चुनाव होने के नजदीक यूपी की सरकार के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी व अन्य और केंद्रीय मंत्रियों एवं नेताओं आदि को भी यूपी की जनता को लुभाने के लिए अब यहाँ थोक के भाव में ताबड़तोड़ शिलान्यास, घोषणाएं व कच्चे कार्यों का भी उद्घाटन आदि नहीं करना पड़ता। आवाज को ज्यादा मत खोलो। इसके साथ ही नाराज चल रहे किसानों को वे अपनी उपेक्षा को लेकर कुछ नाराज चल रही जातियों को भी साधने के लिए अब यहाँ इनको चुनाव के नजदीक खासकर जाट व गुजर आदि समाज के राजाओं की प्रतिमाएं लगाने
वह यूनिवर्सिटी आदि के भी नाम बेमन होकर नहीं रखने पड़ते, जबकि वास्तव में ये सभी कार्य बहुत पहले ही पूरे हो जाने चाहिए थे, जिनका अब सरकार के लोगों को यहाँ शिलान्यास नहीं बल्कि लोकार्पण व उद्घाटन आदि ही करना पड़ता। इसी प्रकार अब चुनाव होने के नजदीक इनको उन जाति के विधायकों को भी काफी दुखी मन से मंत्री आदि बनाना पड़ा है, जो जातियाँ इनकी कार्यशैली से काफी नाराज चल रही थी, जिससे भी इनको अब कोई खास लाभ मिलने वाला नहीं है। ऐसे में अब प्रदेश की जनता यूपी व केंद्र सरकार के भी आसानी से बहकावे में आने वाली नहीं है। और अब मेरा यही कहना है कि यदि आप लोग मेरी इन सब बातों को ध्यान में रखकर तथा हर प्रकार की सावधानी बरतते हुए ये चुनाव लड़ते हैं, तो फिर इस बार यहाँ बीएसपी की सरकार को बनने से कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी, अर्थात फिर यहाँ बीएसपी की सरकार जरूर बनेगी। और ऐसा हो जाने पर फिर यही आज पार्टी के लोगों की माननीय श्री कांशीराम जी के प्रति सच्ची श्रद्धा भी होगी। इस उम्मीद के साथ ही हमें आप लोगों को पार्टी के आगे के प्रोग्राम के बारे में ये भी बताना चाहती हूँ कि इसी महीने दिनांक 21 अक्टूबर सन 2021 से प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा में उसके सभी सेक्टरों व पोलिंग बूथों आदि की बनी कमेटियों के सभी पदाधिकारियों को यहां विधानसभा आम चुनाव को खास ध्यान में रखकर उन्हें कैडर के जरिए हर स्तर पर तैयार व सजग करने का कार्य युद्ध स्तर पर पूरे प्रदेश में शुरू किया जाएगा। और ये कार्य पूरा होने पर फिर जरूरत अनुसार ही आगे का कार्यक्रम बनाया जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक विधानसभा बार कैडर का ये कार्य पार्टी के केवल पूरे मंडल को देख रहे मुख्य सेक्टर प्रभारियों व पार्टी के स्टेट एवं केंद्रीय वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा ही लिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि आपकी मदद के लिए पिछले महीने 7 सितंबर को वे आज 9 अक्टूबर को भी मैंने खासकर यहाँ यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर जो भी जरूरी बातें आप लोगों के सामने रखी हैं, तो उन्हें बुकलेट के जरिए भी हर विधानसभा में वहाँ के लोगों तक जरूर पहुँचाया जाएगा। और इस मामले में मैं ये भी कहना चाहूँगी, यदि मुझे ये लगा कि आप लोग मेरे आज दिए गए इस आदेश व निर्देश का सही से पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर मैं जरूरत महसूस होने पर पार्टी हित में प्रदेश की किसी भी विधानसभा में जाकर खुद उसका निरीक्षण भी कर सकती हूँ। इसलिए आपको ये कार्य पूरी ईमानदारी से ही करना है, ताकि मुझे आपका इम्तहान ना लेना पड़े। इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इसी पैटर्न पर चलकर उत्तराखंड व पंजाब स्टेट में भी पार्टी के लोग ये कार्य 21 अक्टूबर से ही शुरू करेंगे। इस प्रकार से आप लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ इन तीनों राज्यों में यहाँ की सरकारों को सत्ता से जरूर बाहर करेंगे, अर्थात आप लोग उत्तर प्रदेश में व इससे लगे उत्तराखंड प्रदेश में भी अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की सरकार जरूर बनाएंगे। साथ ही पंजाब स्टेट में भी बीएसपी व अकाली दल गठबंधन की श्री सुखबीर सिंह बादल जी के नेतृत्व में यहां भी अपनी सरकार जरूर बनाएंगे। इस भरोसे के साथ ही हम वह माननीय श्री कांशीराम जी की पुण्यतिथि के मौके पर केंद्र की सरकार से इनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने की भी जोरदार मांग करती हूँ, और इसके लिए इनसे ये विशेष आग्रह भी करती हूँ। हालांकि इस मामले में हमें ये मालूम है कि केंद्र में कोई भी जातिवादी सरकार जल्दी से हमारे दलित वर्ग के महान व्यक्तित्व को इस उपाधि से सम्मानित करने वाली नहीं है। और इस संदर्भ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का खास उदाहरण आप लोगों के सामने है। आप लोगों को मालूम है कि बाबा साहब ने तो देश का संविधान बनाया, और जब केंद्र में
अंग्रेजों के जाने के बाद कांग्रेस सत्ता में आई, राज्यों में भी रही, तो कांग्रेस की जिम्मेवारी बनती थी कि बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस की केंद्र की सरकार ने बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया और नतीजा क्या हुआ, हमारे लोग इसके लिए काफी संघर्ष करते रहे लेकिन सफलता नहीं मिली, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि दलितों को और खासकर बाबा साहब को ये सम्मान मिले। उसके बाद जब बीएसपी बनी और 1989 में जब केंद्र में जनता दल की सरकार बनी श्री बीपी सिंह के नेतृत्व में और कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई और मिली जुली सरकार बनी, तो श्री उस समय हमारी पार्टी के 3 एमपी जीत कर आए थे, मैं खुद भी जीत कर आई थी 1989 में बिजनौर से। तो उस समय श्री बीपी सिंह जी ये चाहते थे कि हम लोग सरकार में शामिल हो जाएं। हमने श्री बीपी सिंह को ये कहा कि हमें कोई मंत्री का पद नहीं चाहिए, हम केवल दो ही आपसे मांग कर रहे हैं, एक तो बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए और दूसरा मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की जाए। तो श्री बीपी सिंह जी ने हमारी बात को मान लिया और श्री बीपी सिंह जी की सरकार में ही बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया और पिछड़े वर्ग की मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई। लेकिन ये बीजेपी को उस समय अच्छा नहीं लगा, जो आज जनगणना का भी विरोध कर रहे हैं ओबीसी का, और उन्होंने श्री बीपी सिंह की सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने दी और उनकी सरकार गिर गई। इसलिए अब चाहे ये पार्टी अर्थात कांग्रेस पार्टी, इसलिए कांग्रेस ने यदि ऐसा किया होता तो आज कांग्रेस की हालत ऐसी नहीं होती। इसलिए अब चाहे ये पार्टी अर्थात कांग्रेस पार्टी दलित को किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री व देश का प्रधानमंत्री तथा पार्टी का हेड भी क्यों ना बना दे, तो भी दलित वर्ग के लोग बाबा साहब का ये अपमान भूलने वाले नहीं है। इसके साथ ही पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को भी ये सभी महत्वपूर्ण पदों पर भी क्यों ना रख लें, तो भी इस वर्ग के लोग कांग्रेस को जल्दी से माफ करने वाले नहीं है, जिसने केंद्र में अपनी सरकार के रहते हुए इनकी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया था। इसी प्रकार अब कांग्रेस पार्टी किसानों के मुद्दे की आड़ में खासकर सिख समाज को लुभाने के लिए कितनी भी नाटकबाजी क्यों ना कर ले, तो भी देश में सिख समाज के लोग कांग्रेस के राज में हुए सिख दंगों को आसानी से भुलाने वाले नहीं है। संक्षेप में अब मेरा यही कहना है कि केंद्र में जब तक जातिवादी सरकारें चलती रहेंगी, जातिवादी मानसिकता वाली सरकारें चलती रहेंगी, तो तब तक यहाँ दलित वर्ग के महान व्यक्तित्व को आसानी से भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया जाने वाला है। लेकिन फिर भी हमारी पार्टी का माननीय श्री कांशीराम जी को ये सम्मान दिलाने का प्रयास हमेशा जारी रहेगा। वैसे भी किसी भी मामले में कांग्रेस में अन्य जातिवादी पार्टियों को भी यहाँ दलित आदिवासी व पिछड़े वर्ग के लोग केवल इन्हें अपनी मुसीबत व मजबूरी आदि में ही याद आते हैं। ये सब हमें पिछले महीने पंजाब स्टेट में भी काफी कुछ देखने के लिए मिला है, इसे भी हमारे लोगों को जरूर ध्यान में रखकर चलना चाहिए। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं माननीय श्री कांशीराम जी की प्रतिमा पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ तथा मेरे बाद यहाँ भारी संख्या में आप ये देखो चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है और जितने लोग अंदर हैं इससे काफी ज्यादा लोग बाहर भी हैं, तो आप लोग अपने खुद के साधनों से चलकर, तो कल से आप लोग इधर आए हुए हैं, आपको जब मालूम पड़ा कि माननीय श्री कांशीराम जी की पुण्यतिथि के मौके पर मैं खुद यहाँ पर स्मारक स्थल पर पहुँचने वाली हूँ, तो मेरे मना करने के बावजूद भी आप लोग नहीं रुके और बड़े पैमाने पर आप लोग यहाँ पर लाखों लाखों की संख्या में इधर पहुँचे हैं।
इसके लिए तो मैं आप लोगों की बहुत बहुत आभारी हूँ और मुझे पूरा भरोसा है, खास तौर से जो विरोधी लोग ये कहते हैं कि बीएसपी कहीं पिक्चर में नजर नहीं आ रही है, मेरे ख्याल अभी तक पिछले कई महीनों में जितने प्रोग्राम कांग्रेस ने, सपा ने, बीजेपी ने किए हैं, जितनी भीड़ उनके प्रोग्राम में अभी तक आई है उससे कई गुना भीड़ आज बीएसपी के अकेले प्रोग्राम में आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है, मीडिया को देखने के लिए मिल रही है। तो अब मैं आप लोगों का और ज्यादा समय न लेते हुए अब मैं मान्यवर श्री कांशीराम जी की प्रतिमा पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ तथा मेरे बाद या भारी संख्या में आए पार्टी के लोग भी खासकर कोरोना नियमों का पालन करते हुए पूर्व की तरह ही पूरे अनुशासित तरीके से इनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करके तब फिर अपने अपने जिलों में सावधानी पूर्वक वापिस चले जाएंगे और फिर ये लोग पार्टी के आज घोषित किए गए कार्य में पूरे जी जान से जुट जाएंगे। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं आप लोगों से यही रजा लेती हूँ, जय भीम जय भारत, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, मानवर काशीराम साहब अमर रहे, मानवर काशीराम साहब अमर रहे, फिर कुमारी भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, कुमारी भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, फिर कुमारी भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर समाज के सम्मान में, मैदान में, सर समाज के सम्मान में, मैदान में, सर समाज के सम्मान में, मैदान में, अपने महापुरुषों के सम्मान में, मैदान में, अपने महापुरुषों के सम्मान में, मैदान में, भेज कुमारी भाई जिंदाबाद, 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 भेज आप संघर्ष करो, आपके साथ हैं, भेज आप संघर्ष करो, आपके साथ हैं। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, मानवर श्री काशीराम जी अमर रहे, अमर रहे, मानवर श्री काशीराम जी अमर रहे, भैंस कुमारी महती जिंदाबाद, 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 भैंस कुमारी महती जिंदाबाद, 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 भैंस कुमारी महती जिंदाबाद, 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 सर समाज के सम्मान में, जी मैदान में, सर समाज के सम्मान में, जी मैदान में, सर समाज के सम्मान में, जी मैदान में, अपने महापुरुषों के सम्मान में, जी मैदान में, अपने महापुरुषों के सम्मान में, जी मैदान में, भैंस जी आप संघर्ष करो, आपके साथ जी आप संघर्ष करो, आपके साथ। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, मानवर श्री काशीराम जी अमर रहे, मानवर श्री काशीराम जी अमर रहे, बहन कुमारी भारती जिंदाबाद, 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 बहन कुमारी भारती जिंदाबाद, 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 बहन कुमारी भारती जिंदाबाद, 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 सर समाज के सम्मान में, मैदान में, सर समाज के सम्मान में, जी मैदान में, सर समाज के सम्मान में, जी मैदान में, अपने महापुरुषों के सम्मान में, जी मैदान में, अपने महापुरुषों के सम्मान में, जी मैदान में, बेजी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, बेजी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, बेजी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, बेजी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, मानवर श्री काशीराम जी अमर रहे, मानवर श्री काशीराम जी अमर रहे, बहन कुमारी महती जिंदाबाद, 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 बहन कुमारी महती जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 सर समाज के सम्मान में, सर समाज के सम्मान में, सर समाज के सम्मान में, अपने महापुरुषों के सम्मान में, अपने महापुरुषों के सम्मान में,
जय जी और संघर्ष करो, आपके साथ है। जय जी और संघर्ष करो, आपके साथ है। जय जी आप आगे बहो, हम आपके साथ हैं। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। बाबा और साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मानवर श्री काशीराम जी अमर रहे, सर समाज के सम्मान में। बहन कुमारी मैथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मैथी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मैथी जिंदाबाद। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। इति पिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विज्ञाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिषदं सारथि सत्ता देवमनुस्स बुद्धो भगवती स्वाखातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको एहि पस्सिको ओपनैको पच्चतं वेदितंबो वियो हिते सुपटिपन्नो भगवतो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो याय पटिपन्नो भगवतो सावक संगो सामीचि पटिपन्नो।